हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हमने की थी चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, ये जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, ये इसमें जितने भी सेंटेंसेज हैं वो इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेज को चेंज करना मैंने आपको बताया था, तो वैसे ही हम इसको चेंज करेंगे। देखिए, फर्स्ट वाला लिखा हुआ है लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। इसमें देखिए, ये खुद एक पैसिव में है, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है। इसका एक्टिव बना देंगे हम यहीं पे, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस का ये पैसिव है। ठीक है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। हमें बनाना तो पैसिव है, इन्होंने पहले से ही पैसिव दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो एक्टिव होगा, ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव इसका ये होगा, इन्फॉर्म द पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट है रीड दिस बुक प्रॉपरली। तो हमें पता है हम लेट से बनाते हैं इसको, लेट दिस बुक बी रीड प्रॉपरली। यहाँ पे हम बाय यू भी लगा सकते हैं, क्योंकि यू मैंने बताया था आपको छुपा हुआ होता है यू इंपरेटिव सेंटेंसेस में, तो हम बाय यू यहाँ पे लगा सकते हैं। और नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, जैसे कि ऊपर वाले में यू नहीं लगाया है, ऐसे ही बना दिया है, ऐसे हम इसको बना सकते हैं, लेट दिस बुक बी रीड प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट है शट द डोर। क्या है? शट द डोर। तो इसको भी हम लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट द डोर, लेट द डोर बी शट बाय यू। हम यहाँ पे बाय यू लगा सकते हैं, है ना, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा और लगा देंगे तब भी। ओके, नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। देखिए, प्लीज वाले के लिए मैंने बताया था आपको यू आर रिक्वेस्टेड करके लिखा जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। इसमें पूरा टू के साथ जोड़ देते हैं हम पूरा, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद हेल्प हिम को टू के साथ जोड़ देते हैं, टू हेल्प हिम। अगर यहाँ पे होता प्लीज डोंट हेल्प हिम, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हेल्प हिम। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट प्लक फ्लावर्स। तो लिखेंगे लेट फ्लावर्स नॉट बी, नॉट बी, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। यहाँ पे आप बाय यू लगा सकते हैं या फिर इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड बाय यू। ओके, इतना भी इसको हम लिख सकते हैं या फिर हम इसमें बाय यू लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है बाय यू, यहाँ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज डोंट, डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब ये नेगेटिव आ गया प्लीज में, तो इसको लिखेंगे हम फिर से वही, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब नॉट आया है तो नॉट टू से ऐड करेंगे, नॉट टू डिस्टर्ब्ड, नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी। यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म भी आ गया है और आर भी आ गया है, तो हम सिर्फ इसको पूरे को ऐसे ही लिख देंगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी। ठीक है, नेक्स्ट है ओवे योर पेरेंट्स। ये सारे देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इनको इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसमें भी हम लेट लगाएंगे, लेट योर पेरेंट्स बी, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। यहाँ पे बाय यू आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा और लगा देंगे तब भी। ओके, अगर आप नहीं लगाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा देंगे तब भी,
क्योंकि बाय क्या, यू क्या होता है, छुपा हुआ होता है सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं वर्ब से, जैसे शट द डोर, हेल्प हिम, डू नॉट प्लग, तो यहाँ पे डू नॉट प्लग, प्लग क्या है, वर्ब है, डू नॉट से स्टार्ट होंगे, या फिर अगर डू नॉट नहीं होगा तो फिर वर्ब होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट में होता है तो सब्जेक्ट यू मान लिया जाता है। कि नेक्स्ट है डू इट, तो डू इट इसको भी ऐसे बनाएंगे, लेट इट बी डन बाय यू, हम इसमें लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लगा दिया हमने तब भी ठीक है, ओके। लेट इट बी डन या लेट इट बी डन बाय यू, ओके। तो आपकी एक एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है नंबर 5, डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स विद एग्जांपल्स। तो हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिफाइन करना है, ये हम बात करवाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।